मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हालात और परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यह बात कोई मायने नहीं रखती। इस लाइन को अभी हाल ही में जारी हुई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th बोर्ड के परीक्षा परिणाम में साबित कर दिखाया है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक पिता की बेटी ने। बेटी का परिणाम आने के बाद से ही इस मजदूर परिवार में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी है जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। मजदूर पिता की बेटी सोनिया मावर ने 10th बोर्ड के परीक्षा परिणाम में 97% अंक हासिल कर अपने स्कूल को टॉप किया है। सोनिया ने हर सब्जेक्ट में 90% से ज्यादा अंक और मैथ और संस्कृत में 100% नंबर हासिल किए हैं। बेटी का परिणाम आने के बाद से ही रोजाना 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। परिणाम आने के बाद से ही इस मजदूर परिवार के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। 10th बोर्ड के परीक्षा परिणाम में सेल्फ स्टडी के दम पर 97% अंक लाने वाली सोनिया ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के गुरुजनों को दिया है। माता पिता को और अपने पूरे स्कूल के पूरी टीम को, ये 3 से 4 है। अब आगे क्या बनने का सपना है आपका? डॉक्टर। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मां आंगनबाड़ी करती है। बच्ची शुरू से ही होशियार थी और पढ़ने में भी उसका ठीक दिमाग था। कहने भी नहीं पड़ती बच्ची से कि बेटी पढ़ ले, फिर भी अपने आप ही पढ़ लेती बच्ची। और सरों का भी, स्कूल वालों का भी, पूरा पूरा सहयोग था। हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे समाज में भी बहुत सम्मानित हुई बेटी हमारी। अगर मैं तो मजदूरी करता हूँ, अपना आप ये पढ़ लेती है, मैं मजदूरी करने चला जाता हूँ और शाम को आता हूँ। मैं तो प्लास्टर का काम करता हूँ। कितनी कमाई हो जाती है? कमाई तो क्या होती है, 400-500 रुपए साल।